Restricted Addition DCG Sheet Wheels Synaptic Switch Off. All Police Officers, Media Friends, Andariki Per Peto, Namaskaram Salam. Ee roju రైతులు ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇది చాలా మంచి విషయం. మా ఆరోగ్య సీఎం గారు తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత సబ్సే పహలే తో మే ఆప్ లోగో కా శుక్రియా అదా కర్నా చాహతా హూం కి ఆజ్ ఆప్ లోగ్ ఇత్నే షార్ట్ నోటిస్ పర్ शी जिन को मजबूती के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से एक जॉइंट सपोर्ट जो हुआ है, जिसके तहत 60 नए टू व्हीलर बाइक्स, स्कूटीज, एक्टिवा बाइक सबको मिला तीनों कमिश्नरेट को, जिससे कि हमारे सी टीम्स में मोबिलिटी कहीं भी जल्दी पहुंचने में एक और इजाफा और बेहतर परफॉर्मेंस होगा। 2014 से अब तक का जो सफर तेलंगाना स्टेट का रहा है, इस सफर की बुनियाद में सबसे बड़ी बात है सेफ्टी और सिक्योरिटी पूरे सोसाइटी का, और खास करके सेफ्टी और सिक्योरिटी महिलाओं का। किसी भी सोसाइटी में जब सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात होती है तो क्राइम अगेंस्ट वीमेन कितना कम है, वीमेन के अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी की अहमियत कितनी ज्यादा है, कितना ज्यादा उनको भरोसा है, ये सबसे आगे रखा जाता है। और चाहे वो अमेरिका का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का स्टेटिस्टिक्स हो, हर इंडेक्स पे हैदराबाद सिटी तेलंगाना स्टेट सेफ्टी के मामले में अव्वल नंबर पे है। और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का जो मार्गदर्शन, जो उनका गाइडेंस 2014 की, आज हैदराबाद, साइबराबाद और राजकोंडा तीनों कमिश्नरेट को मिलाकर लगभग 6.5 लाख सीसीटीवी कैमरा हम लोग के पास है। इतना बड़ा लार्ज नंबर ऑफ सीसीटीवी कैमरा हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं, और हम लोग इसके इसका रिजल्ट जो देखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल्कुल लगभग खत्म हो गया है। अब जो भी क्राइम हो रहा है वो इंडिविजुअल क्राइम है। पुराने जमाने में जो क्रिमिनल घूमते थे, बड़े बड़े ग्रुप बनाकर घूमते थे क्राइम करने के लिए, वो बिल्कुल पुरानी बात रह गई। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी के यूज के द्वारा रोड सेफ्टी, रोड पर भी जो एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसके कारण पहले डेथ ज्यादा होती थी हैदराबाद शहर में, वो भी पिछले 3 सालों में लगातार कम होता जा रहा है। हर एक जान की अहमियत बहुत ज्यादा है, और एक लाइफ भी अगर हम लोग सेव कर रहे हैं तो वो एक तरीके से वो नेशन बिल्डिंग कंट्री के लिए है। ऐसे मौके पे जब आज एक बार फिर सेकेंड वेव ऑफ कोरोना पूरे इंडिया में चल रहा है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर जिम्मेवारी पहले से और ज्यादा हो गई। कल और आज हम लोगों ने टेली कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी पुलिस ऑफिसर से पहले अपना सावधानी बरतते हुए मास्क हमेशा लगाना, हाथ हमेशा वॉश कर सोप से वॉश करना, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब करते हुए पब्लिक का सर्विस, रोड सेफ्टी सब कुछ करना है। आज हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के लीडरशिप में एक टेलीकॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के लोगों ने कोरोना के बारे में और बेहतर से बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए, जिससे कि कॉमन पब्लिक को मिनिमम इनकन्वीनियंस हो, हॉस्पिटल में बेहतर से बेहतर, खासकर अगर किसी का डेथ हो रहा हो तो उसके बाद भी जो बताए हुए तरीके से बॉडी का डिस्पोजल कैसे हो, उसमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, इन सब चीज के बारे में डिस्कशन हुआ।
ये एक क्राइसिस सिचुएशन है और इस क्राइसिस सिचुएशन में सभी डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स मिलकर पब्लिक के सर्विस में हम लोग 24 आवर्स रहेंगे। इस सर्विस में हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस के बहुत ऑफिसर्स को भी इंफेक्शन हुआ, हम लोगों ने कुछ जाने भी दबाई हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए पब्लिक सेफ्टी और सिटी का देखभाल सबसे अहमियत रहता है। हमारे सीनियर ऑफिसर्स को भी इंफेक्शन हुआ है, बहुत लोगों को दो बार हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम हमारे हौसले में कभी कोई कमी नहीं आई है और हम लोग इसी तरीके से आगे भी मेहनत करते रहेंगे। तो एक बार फिर